नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? बच्चों, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? संधि। आज हम संधि और उसके प्रकार देखेंगे, संधि की परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं। तो संधि की परिभाषा में क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो ध्वनि या दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ओके, अब संधि का अर्थ क्या होता? तो संधि का अर्थ होता है मेल या मिलाना, यानी दो चीजों को मिलाना, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो अब जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा नजदीक यानी निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है। ओके, या कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखो, हम उदाहरण देख रहे हैं, जैसे हिम प्लस आलय तो क्या बना? हिमालय। ओके, अब हमने कैसे देखा? तो यहाँ पर अ है, जैसे हिम है उसमें से अ और यहाँ से आ, ये जब हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? आ। ओके, यहाँ अ और आ, अ और आ अत्यंत निकट के उनके बीच का संबंध है और वो दोनों जुड़ रहे हैं। अब उन दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा? आ। तो यहाँ पर अ और आ के मिलने से एक विकार उत्पन्न हो गया और वो संधि के नाम से जाना गया। अब देखो, हिम है तो हिम में से म अलग करेंगे तो म में से क्या निकलेगा? अ निकल जाएगा, और आलय से आ अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लय बचा रह जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? हिम प्लस अ प्लस आ प्लस लय, तो इन दोनों से अ और आ को मिलाकर क्या बनेगा? आ बन जाएगा। तो अब हमारा संधि किस तरह से हुई? हमारी संधि हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। ओके, तो आपको संधि की परिभाषा पता चली कि दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल या मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा अत्यंत नज़दीकीपन होता है उसमें, जिसके कारण उनमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है या विकार आता है और जिसके कारण वह संधि के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर हिम प्लस आलय लिखा है तो क्या बन जाएगा? हिमालय। तो इसका आपने देखा कि हमने विच्छेद किस तरह से किया और किस तरह से हमने संधि बनाई। अब बच्चों, हम संधि के प्रकार देखेंगे। ओके, पहले हमने संधि की परिभाषा उदाहरण सहित समझी, देखी, अब हम संधि के प्रकार देखते हैं। तो संधि के कौन कौन से प्रकार हैं? तो संधि के तीन प्रकार हैं। कौन से? तो सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। कितने प्रकार है संधि के? तीन। कौन कौन से? तो सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले स्वर संधि देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहेंगे। तो स्वर संधि है, उसकी परिभाषा देखते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। मैंने क्या बोला? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी पांच प्रकार हैं। तो कौन कौन से? तो सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। बच्चों, अब हम स्वर संधि में ये जो प्रकार है इन प्रकार की परिभाषा उदाहरण सहित देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले स्वर संधि के जो प्रकार है उसमें से दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखते हैं उदाहरण सहित। अब दीर्घ स्वर संधि किस प्रकार से बनती है? तो बच्चों, मैंने यहाँ पर बताया जैसे अ प्लस अ तो आ होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका उदाहरण है जैसे कि स्व प्लस अ अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? स्वार्थ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आ हो जाएगा। क्या हो गया? अ प्लस अ बराबर
उसी प्रकार छोटा अ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा आ। तो अब इसका उदाहरण दीजिए, जैसे लिखते हैं देव, देव प्लस आलय, तो ये दोनों मिले तो क्या बन जाएगा देवालय। ओके, अब जैसे आ बड़ा आ प्लस छोटा बराबर क्या हो जाएगा बड़ा आ। तो अब उसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे यहाँ आ रेखा प्लस अंकित, तो क्या बन जाएगा बड़ा आ जाएगा, क्या हो जाएगा आ रेखांकित। ओके, उसी तरह बड़ा आ और बड़ा आ जब दोनों आपस में मिलेंगे ये, तो क्या बन जाएगा बड़ा आ ही रहेगा। तो जैसे राजा तो आया, यहाँ पर आया आ राज्ञा, तो क्या बन जाएगी राजाज्ञा। आपने देखा, अब सबसे पहले ये देखने की खासियत है कि इन सब में स्वरों का ही मिलन हो रहा है। जैसे छोटा आ है छोटे आ से मिल रहा है, छोटा आ है बड़े आ से मिल रहा है, बड़ा आ है वो छोटे आ से मिलकर, और बड़ा आ से मिलेंगे तो सब में क्या हो जाएगा बड़ा यानी दीर्घ आ ही बनेगा। ओके, तो हमने उसके उदाहरण देखे, जैसे स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ, देव प्लस आलय बराबर देवालय, रेखा प्लस अंकित बराबर रेखांकित, राजा प्लस आज्ञा बराबर बराबर राजाज्ञा। ओके, तो अब हमने इन स्वरों के मिलन से, पर ये स्वर के हैं और अ ही है, दोनों ही आपस में एक दूसरे के विरुद्धार्थी स्वर रहे हैं, अ और आ स्वरों के मिलन से जो बना है उसको अब हमने देखा। अब हम ई और ई के मिलन से कौन कौन से बड़ी ई ही बनेगी और उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलेगी आपस में तो क्या बन जाएगी बड़ी ई। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कवि, ये छोटी ई प्लस ये छोटी बन जाएगा बड़ी, तो क्या हो जाएगी कविंद्र, क्या बन जाएगा बच्चों कविंद्र। उसी तरह छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा है हरी और बड़ी ई ईश, तो क्या बन जाएगा बड़ी ई हरीश बन गया। उसी तरह छोटी बड़ी ई और छोटी ई जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा। बच्चों बड़ी ई और छोटी ई में क्यों बोल रही हूँ, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर होते हैं, हिंदी में छोटे ई की मात्रा भी बोली जाती है और बड़े ई की मात्रा भी बोली जाती है, दीर्घ ई बोला जाता है और ह्रस्व ई बोला जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे ई की मात्रा और बड़े ई की मात्रा को बोल रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम बड़े ई यानी दीर्घ ई और छोटे ई मतलब ह्रस्व ई जब यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मही प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा दीर्घ ई बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा महेंद्र। उसी तरह दीर्घ ई और दीर्घ ई जब आपस में मिलेंगी तो दीर्घ ई ही बनेगी, तो जैसे यहाँ पर लिखा है रजनी प्लस ईश, तो यहाँ पर बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई और यहाँ दीर्घ ई जब आपस में मिली तो क्या बन जाएगा रजनीश। ओके, तो जैसे कविंद्र तो कविंद्र, हरि प्लस ईश तो हरीश, मही प्लस इंद्र तो महेंद्र, और रजनी प्लस ईश तो क्या बन जाएगा रजनीश। अब हम उसी के अंतर्गत ऊ का, ऊ के मिलन से, ऊ स्वर के मिलन से कौन कौन से उदाहरण बनते हैं, छोटे ऊ अर्थात ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ ही बनेगा। यदि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ह्रस्व और ह्रस्व ऊ जब आपस में मिलेंगे यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ जब मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ जब आपस में मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे छोटा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिलकर दीर्घ बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है, जैसे सो तो यहाँ पर ओ फिर ये ऊ आपस में मिला तो यहाँ पर क्या बन गया बड़ा ऊ।
उसी तरह सिंधु, तो सिंधु में उ जुड़ा छोटा उ और यहाँ पर बड़ा उ जुड़ा, तो ये क्या बन गया, बड़ा उ। ओके, उसी तरह वधु में, वधु में बड़ा उ जुड़ा है किसके साथ, छोटे उ के साथ, तो क्या बन जाएगा, बड़ा उ ही बनेगा। ओके, उसी तरह बड़ा उ और छोटा बड़ा उ, बड़ा उ यानी दीर्घ उ और दीर्घ उ जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, दीर्घ उ यानी वधूर्मी। तो जैसे सुधन उक्ति बराबर सुक्ति, सिंधु धन उर्मी बराबर सिंधुर्मी, वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, वधु धन उर्मी बराबर वधुर्मी। अब हमने देखा बच्चों यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, उन स्वर संधि में आपने देखा है दोनों सजातीय, सजातीय स्वरों का ही मिलन हो रहा है, जैसे अ का अ से, ई का ई से और उ का उ से ही मिला है। तो ये दोनों आपस में जो है इन्हें क्या कहेंगे, सजातीय स्वर कहेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि में हमेशा सजातीय स्वरों का ही मिलन होता है, और छोटा या बड़ा, दीर्घ या ह्रस्व जब भी आपस में मिलेंगे तो दीर्घ या बड़ा ही उ आ और ई ही बनेगा। तो आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई, अब उसके बाद की हम दूसरी संधि देखते हैं। बच्चों अब हम दूसरे नंबर की, कौन सी दूसरे नंबर की स्वर संधि देखेंगे, वो कौन सी है, गुण स्वर संधि। जब भी गुण स्वर संधि बनेगी तो अंत में ए ओ और अर आएगा, ए और अर, ए ओ और अर कैसे आएगा उसे हम देखेंगे। जैसे अ और ई जब आपस में जुड़ेंगे तो ए बन जाएगा, तो उदाहरण कैसे, जैसे नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र, तो यहाँ पर अ और ई, यहाँ पर क्या है ये अ और ये ई जुड़ा तो क्या बनेगा, ए जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र। उसी प्रकार से बड़ा आ और छोटी ई जुड़ेगी तो ए बन जाएगा, तो कैसे, महा प्लस इंद्र तो क्या बन जाएगा, महेंद्र। उसी तरह से छोटा अ और बड़ी ई जब आपस में मिलेंगे तो ए बनेंगे, तो कैसे, जैसे सुर प्लस ईश तो क्या बन जाएगा, सुरेश। तो यहाँ पर छोटा अ है और यहाँ पर बड़ी ई है तो क्या बन जाएगा, ए, तो सुरेश। तो आपने देखा बच्चों यहाँ ए है वो मात्रा के रूप में प्रयोग हो गया, जैसे नर प्लस इंद्र तो हमने लिखा नरेंद्र तो एक ही मात्रा लगी, महा प्लस इंद्र तो महेंद्र तो एक ही मात्रा लगी वहां पर, उसी प्रकार सुर प्लस ईश तो बराबर सुरेश तो एक ही मात्रा लगी। अब बड़ा आ और बड़ी ई यानी दीर्घ अ और दीर्घ ई जब आपस में मिलेंगे तो ए बनेगा, तो कैसे, तो महा प्लस ईश तो क्या बन जाएगा, महेश। तो यहाँ पर अ है बड़ा आ और यहाँ बड़ी ई जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, महेश। तो ए बना, तो ए कहाँ पर, मात्रा के रूप में लग गया। अब उसी प्रकार हम नीचे देखते हैं छोटा अ और छोटा उ जब भी आपस में मिलेंगे तो ओ ही बनेगा, तो कैसे, जैसे हित तो यहाँ पर अ जड़ा तो ये छोटा अ जड़ा तो क्या होगा, ओ, तो हितोपदेश क्या बन जाएगा, ओ बना ना, तो हितोपदेश, तो यहाँ पर उ है वो निकल कर ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। अब छोटा अ और बड़ा उ जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो जैसे लिखा है नव प्लस उढ़ा, छोटा अ और बड़ा उ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, इसका नव प्लस उढ़ा तो क्या बन जाएगा, नवोढ़ा। तो उ है और अ दोनों ओ की मात्रा में बदल जाएंगे। उसी तरह जब बड़ा आ और छोटा उ जब आपस में मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ा उ ही बनेगा, जैसे महा प्लस उत्सव तो यहाँ पर आ और छोटा उ जुड़ा तो क्या बन जाएगा, महोत्सव, तो ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। अब उसी तरह से बड़ा उ और बड़ा आ जब भी आपस में मिलेंगे तो ओ ही बनेगा, तो
कैसे महा प्लस उर्मी तो क्या बन जाएगा महोर्मी। तो यहाँ पर अ है वो ओ में आ और उ का ओ में परिवर्तित हो गए और वहां पर ओ की मात्रा लग गई। अब यहाँ पर अ प्लस रू जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा और बन जाएगा। अ प्लस रू जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा और बन जाएगा। तो जैसे देव प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा देवर्षि। राज बड़ा आ प्लस उ जुड़ेगा तो भी अर बनेगा। तो जैसे राजा प्लस ऋषि तो राजर्षि। अब आपने देखा कि जब भी इस तरह से बीच में र का प्रयोग होगा तो वह किसमें रेफ में बदल गया। यहाँ पर अर लिखा है ना हमने यहाँ पर तो जो ये र है ना वो किसमें परिवर्तित हो गया रेफ में परिवर्तित हो गया। तो गुण संधि में आपने देखा यहाँ पर सजातीय नहीं परंतु विजातीय स्वर जब आपस में जुड़ेंगे तो किस तरह से नए संधि हमें मिलेगी। तो गुण स्वर संधि में ए ओ और अर हमेशा मिलेंगे। जैसे हमने देखा तो नरेंद्र महेंद्र सुरेश और महेश तो वो ए वाले उदाहरण मिले। ओ के देखेंगे हितोपदेश नवोढ़ा महोत्सव महोर्मी वो ओ के मिले और अर में तो देवर्षि शब्द ऋषि राज ऋषि। ओके इतना समझ में आ गया। तो बच्चों आइए अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं स्वर संधि का। कौन सा है तो स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। उसमें ए और औ हो जाता है। किन किन के मिलने पर ए और औ हो जाता है वो उदाहरण से हमें देखते हैं। जैसे अ और ए जब आपस में मिलते हैं तो ए यानी बड़ा ए बच जाता है। जैसे एक प्लस एक तो यहाँ पर अ और ए मिला तो क्या होगा अ ए कई क। तो जो ए की मात्रा है और यहाँ पर ए और ये ए की मात्रा यहाँ डबल ए की मात्रा में बदल जाती है। अब दूसरा है आ और ए। आ यानी बड़ा आ और ए मिलेगा तो ए बन जाएगा। तो कैसे होगा सदा धन एव तो क्या बन जाएगा सदैव। तो छोटा ए और बड़ा ए जब आपस में मिलेंगे तो ए की मात्रा बड़ी डबल मात्रा लग जाएगी। तो क्या लिखेंगे सदैव। अब उसके बाद है अ और ए यानी छोटा अ और ए जुड़ेगा तो धन प्लस ऐश्वर्य तो क्या बनेगा बन जाएगा धनेश्वर। फिर उसके बाद बड़ा आ और ए वाला जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा ए तो महा प्लस ऐश्वर्य तो क्या बन जाएगा महेश्वर्य। उसके बाद अ और ओ जुड़ेगा अ और ओ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा औ। तो जैसे जल धन ओध तो क्या बनेगा जलौध। उसके बाद अ और औ जुड़ेगा तो भी औ बनेगा। तो जैसे वन औषध तो क्या बन जाएगा वन औषध। उसी तरह आ बड़ा आ और औ जुड़ेगा तो भी औ ही बनेगा। जैसे महा धन औषध तो क्या बन जाएगा महौषध। तो बच्चों यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि आपको पता चल गई कि ए और ए जब आपस में जुड़ते हैं तो ए बनता है। तो यहाँ पर ए और औ किन के जुड़ने से बनते हैं और कौन कौन से उदाहरण हैं यह आपको यहाँ पर बताया गया। तो यह आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद का प्रकार है यण स्वर संधि और उसके बाद अयादि स्वर संधि है उसे हम देखेंगे। तो बच्चों अब हम चौथे नंबर की स्वर संधि देखते हैं। वो कौन सी है चौथे नंबर की स्वर संधि है वह यण स्वर संधि है। कौन सी है चौथे नंबर की यण स्वर संधि। उसमें क्या है कि यदि ई छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ और रू आता है तो क्रमशः ये उससे क्या है उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए भिन्न यानी अलग स्वर आता है तो ई ई का य हो जाएगा ई और ई का य हो जाएगा बड़ा उ और छोटा उ का व हो जाएगा और रू का र हो जाएगा। ओके कोई भी भिन्न स्वर आए अर्थात बड़ी ई छोटी ई बड़ा उ छोटा उ और रू के बाद कोई भी अलग स्वर आता है भिन्न यानी अलग तो उसका व य र
व और र हो जाता है। जैसे यहाँ पर है ई, छोटी ई और आया भिन्न स्वर क्या है, ओ आया, तो क्या बन जाएगा य, तो क्या हो जाएगा अति प्लस अधिक, तो क्या बन जाएगा अत्याधिक। ओके, उसी तरह छोटी ई और बड़ा आ, तो ये भिन्न स्वर है, तो क्या बन जाएगा या, तो अति प्लस आचार, तो क्या बन जाएगा अत्याचार। उसी तरह से ई प्लस ऊ आया, तो क्या बन जाएगा यू, तो प्रति प्लस उत्तर, तो बने क्या होगा प्रत्युत्तर। अब है ई और उसका भिन्न स्वर ऊ है, तो ऊ का भिन्न स्वर ई है, तो क्या बन जाएगा यू, तो क्या है वी धन ऊ बराबर व्यू। उसी तरह ऊ प्लस अ भिन्न स्वर है अ, तो क्या बन जाएगा व, तो क्या होगा सु प्लस अच्छ, तो क्या बन जाएगा स्वच्छ। उसी तरह से ऊ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा वा, तो सु प्लस आगत, तो क्या बन जाएगा स्वागत। उसी प्रकार ऊ से उसके बाद भिन्न स्वर ओ आया, तो क्या बन जाएगा वो, तो लघु धन ओष्ठ, तो बन जाएगा लघोष्ठ। उसी तरह र है, कैसे बनेगा रू है, प्लस आ आएगा, तो क्या बन जाएगा रा, तो पितृ प्लस आदेश, तो क्या बन जाएगा पित्रा, राया पित्रा देश। तो यहाँ पर गण संधि में क्या होगा, जब ई ई ऊ ऊ और रू के बाद कोई भी भिन्न स्वर आते हैं, तो व य व और र में परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चों अब हम अंतिम और पांचवी अयादि स्वर संधि देखेंगे। ओके, तो अब स्वर संधि में क्या है, अयादि स्वर संधि में यदि ए ए ई ए ए ओ और ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो ए का अय, ओके, ए का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। और उसके बाद हमें याद रखने वाली बात यह है कि यदि अय आय और औ आव जो है वह में य और व है, वो आगे के स्वर में मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ए और अ, ए और अ ये दोनों भिन्न स्वर है, ये जब आपस में मिले तो क्या बन गया अय, तो जैसे ने प्लस अन, तो क्या बन जाएगा नयन। ओके, चे प्लस अन यन, तो बन जाएगा चयन। ओके, अब दूसरा है ए और अ, ये दोनों भिन्न स्वर है, जब आपस में ए यानी बड़ा ए और अ जब मिलते हैं, तो क्या बन जाएगा आय, तो जैसे गई धन अ, तो गा य क, क्या बन जाएगा गई प्लस, सॉरी यहाँ पर मैं क लिखना भूल गई, क्या गई प्लस अक, तो क्या बन जाएगा गायक। ओके, अब ए प्लस ई आपस में जो भिन्न स्वर है, जो आपस में मिल गए अलग हो गए, तो क्या बन जाएगा आई, तो नई प्लस इका, तो क्या बन जाएगा आई का, तो क्या होगा नाई का। ओके, अब ओ और अ, ओ और जब और दोनों आपस में मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा अव, तो भो प्लस अन, तो क्या बन जाएगा भवन। ओके, अवन अव बन गया भवन। उसी तरह औ और अ जब आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा आव, तो पौ धन अन, तो क्या बन जाएगा पवन। उसी तरह औ प्लस ई, दोनों भिन्न स्वर है, आपस में जुड़े, तो यहाँ पर आवी बन गया, तो नौ प्लस एक, तो क्या बन जाएगा नाविक। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारी अयादि स्वर संधि पूरी हो गई। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अब आपको मैंने जिस हिसाब से बताया है, इस हिसाब से आप और उदाहरण भी
देखकर आप उसका अभ्यास करना। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।